कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि यार मेरे से जब मैं मॉड्यूल सॉल्व करता हूँ इंस्टीट्यूट का, या फिर घर पे बैठ के हम कोई बुक सॉल्व करें, तो क्वेश्चन मेरे से काफ़ी होते हो जाते हैं, बट एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन नहीं होते। तो मैं ये बता देता हूँ कि ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में जाके हमारा दिमाग के चारों तरफ कोई ऐसा कवच आ गया जो थॉट्स को घुसने नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल साइकोलॉजिकल, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा दिमाग चलना बंद हो जाए। दिमाग चलना बंद क्यों हो जाए? अगर तुम, मतलब दिमाग चलना बंद क्यों हो सकता है एग्जामिनेशन के अंदर? अगर तुम अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ओवर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम वहाँ बैठ के पेपर में बैठ के यार ये सोच रहे हो कि अगर यार इसमें मार्क्स नहीं आया तो फिर पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, मैं फ्यूचर क्या हो जाएगा, ऐसी चीज़ें हमें पेपर में बैठ के नहीं सोचनी चाहिए। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी पेपर अटैम्प्ट करने की ऑप्टिमम है, तो ज़बरदस्ती हम स्पीड ना बढ़ाएं और उल्टे सीधे थॉट्स ना सोचें कि बाद में क्या होगा, ये क्या होगा। हमें उस मोमेंट पे पेपर के अंदर ही होना चाहिए। बस हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इन 3 घंटे में कोई मेरे से इजी क्वेश्चन ना छूट जाए, जो डूएबल क्वेश्चन है वो ना छूट जाए। टफ क्वेश्चन हो ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमारे दिमाग से निकालते हैं। बस एक ये चीज़ अगर मैंने ध्यान रखी है कि ईजी कोई ना छूटे पूरे पेपर में, या फिर मॉडरेट क्वेश्चन अगर पॉसिबल है तो मैं जितने मॉडरेट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ ईजी को ख़त्म करने के बाद वो करता हूँ, और ज़बरदस्ती स्पीड ना बढ़ाएं। किसी भी तरह का ये ना सोचें कि मेरे को 250 मार्क्स लाने हैं, 220 मार्क्स लाने हैं, वो अपने आप मार्क्स आ जाएंगे। अगर इस तरह का प्रेशर नहीं ले रहे हो तो बाकी सब कुछ साइकोलॉजिकल है। मतलब ऐसा नहीं कि पेपर में तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। अगर तुम उल्टे सीधे प्रेशर नहीं लोगे तो वहाँ पर भी उतनी एफिशिएंसी से दिमाग चलेगा, या बोल सकते हैं 90% एफिशिएंसी से दिमाग चलेगा जो तुम्हारे घर पर चल रहा होगा। तो अगर घर पर हमारे 100 मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ पेपर में भी 90 मार्क्स आ जाएंगे उस टेंस एनवायरनमेंट में भी। अब ये डिपेंड करता है कि तुम उस प्रेशर को कैसे लेते हो। अगर बहुत ज़्यादा दिल से लगा के वहाँ पे सोचोगे, वरीड रहोगे, तो ऑफकोर्स तुम्हारा दिमाग कम काम करेगा, फिर वो ऑक्यूपाई और कहीं पे होगा। तो अपने आप में फेथ रखें, अपनी प्रिपरेशन में फेथ रखें। जितने भी मार्क्स तुम्हारे आ रहे होंगे, तुम तो ये सोचो कि बाकियों के उतने भी नहीं आ रहे होंगे। अगर तुमने प्रिपरेशन किया है तो अपनी प्रिपरेशन के अंदर हमें फेथ होना चाहिए और मार्क्स अपने आप सही आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।